नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज है 8 अगस्त 2021 और आज के मुख्य शिक्षा समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम राज्य कर्मचारी पुरस्कार के बारे में जानने वाले हैं। भालपुर विजय तिलक नीरज चोपड़ा कल जो विजय हुई है उसके बारे में जानने वाले हैं। ऑनलाइन हाजिर नहीं तो वेतन नहीं, सरकारी विभागों में बंपर भर्ती और हेड कांस्टेबल परीक्षा के हेड कांस्टेबल के पदों पर जो है भर्ती आई है और बोर्ड परीक्षा की क्या नई अपडेट आई है उसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे साथियों, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आज का सुविचार देखते हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है, लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल ज़िंदगी में इंसान का भी होता है। अगर आप जहाँ पर नहीं झुकना चाहिए वहाँ नहीं झुकना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जहाँ पर झुकना ज़रूरी है और वहाँ पर आप अगर झुक नहीं रहे हो, अपनी अकड़ बता रहे हो, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अपने अंदर जो है प्रेम का भाव भी अपने आप को रखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, भारत माँ का स्वर्ण श्रृंगार। गोल्डन बॉयज नीरज ने कहा मेडल मिल्खा जी को समर्पित। ओलंपिक में हमारे 7 मेडल, यहाँ भी एक नया रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना। बाल पर जो है विजय तिलक लगा दिया है नीरज चोपड़ा ने। आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय स्कूल में 80 सीटों पर मिलेगा प्रवेश, एक के लिए 58 दावेदार हैं। टाइम टेबल देखिए, आप छठी कक्षा में प्रवेश परीक्षा 11 को और 4,647 स्टूडेंट दौड़ में इस बार लगे हुए हैं। आगे देखिए, राजकीय कर्मचारी पुरस्कार में देखिए, आप 10 अगस्त तक विभागीय अधिकारी भेज सकेंगे प्रस्ताव। डीएलएड सेकेंड ईयर की पूर्व परीक्षा 12 से 2 पारी में ये परीक्षाएं होने वाली हैं। आगे देखिए, अब डबल बेंच में हारा शिक्षा विभाग। नियुक्ति के दिन से मातृत्व अवकाश का हक, ना वेतन कटेगा ना प्रोबेशन बढ़ सकता विभाग। आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज़ देखिए। ऑनलाइन हाजिर नहीं लगी तो 1 सितंबर तक रुक सकता है वेतन, खाली सीटों पर 16 तक आप आवेदन कर सकते हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भक्त सागर नागौर में कक्षा 9 की खाली सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने बताया कि प्रवेश के लिए आवेदन पत्र स्कूल से प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 16 अगस्त तक विद्यालय में जमा करवा सकेंगे। आगे देखिए, बोर्ड परीक्षा 12वीं की परीक्षाएं सुबह 8:30 से 11:45 तक तथा अपराह्न 1:45 से शाम 5 बजे तक। 10वीं की 20 व 12वीं की 25 अगस्त तक परीक्षाएं चलेगी। संतुष्ट परीक्षार्थियों की संख्या नाम मात्र, ठीक है ना। समन्वय के अनुसार परीक्षा 2021 के लिए स्वयं पाठी परिणाम से असंतुष्ट व अन्य श्रेणी में पंजीकृत परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 7 अगस्त से डाउनलोड किए जा सकेंगे। बोर्ड की ओर से जारी रिजल्ट से अधिकतर विद्यार्थियों को फायदा ही हुआ है, इसके लिए परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों की संख्या नाम मात्र है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने स्कूल खोलने की तिथि तय करने के लिए की थी कमेटी गठित। कमेटी की केवल एक बैठक हुई और 15 दिन टाल दिया गया था निर्णय। 13 राज्यों में स्कूल खुले, राजस्थान में कब से? अभिभावक और स्कूल संचालक कर रहे 9वीं से स्कूल खोलने की मांग, ठीक है ना। स्कूल कॉलेज खोलने को 15 दिन टालने के पीछे कमेटी ने किया था यह दावा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 13 राज्यों में जो है स्कूल खुल चुके हैं। अब राजस्थान के अंदर वेट है कि भाई स्कूलें कब से ओपन होएगी। आगे देखिए, टैक्स असिस्टेंट व कई पद रिक्त, आवेदन कर सकते हैं आप। आयकर विभाग भारत सरकार के अंदर पदों का विवरण दे कि आप MTS टैक्स असिस्टेंट व इनकम टैक्स इंस्पेक्टर खेल कोटा के तहत। पदों की संख्या है 155। आयु सीमा आपके पद अनुसार है, अधिकतम 25, 27 और 30 वर्ष। खेल आपके एथलेटिक्स, स्विमिंग, चेस, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग इत्यादि। पात्रता, उम्मीदवार के पास इन पदों पर आवेदन के लिए 10वीं पास, स्नातक, निर्धारित डाटा एंट्री स्पीड एवं अन्य पात्रताएं होना आवश्यक हैं। वेतनमान आपके 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक और 25,000 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपका आवेदन इसमें जो है आपके पेमेंट रखा गया है। आवेदन की अंतिम तारीख आपके 25 अगस्त 2021 रखी गई हैं। तो अच्छा खासा सैलरी आपको मिल रहा है, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आगे की न्यूज़ है, 1600 से भी ज़्यादा पदों पर निकली हैं भर्तियां, ठीक है ना। भारतीय रेलवे
भर्ती सेल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर अप्रेंटिस के 1600 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcpryi.org पर जाकर अप्रेंटिस के लिए 1664 रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि चयनित आवेदकों को उत्तर मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न डिवीजनों कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस नौकरी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे योग्यता, पदों का विवरण आदि के लिए आगे पढ़िए। देखिए, कुल पद है आपके 1664, जिसमें झांसी डिवीज़न में 480, प्रयागराज डिवीज़न में 364, आगरा डिवीज़न में आपके 296 और झांसी वर्कशॉप में 185 हैं। ठीक है, इसके लिए आप 2 अगस्त तक जो है आप आवेदन पत्र जमा कराने की प्रारंभिक तिथि आपके 2 अगस्त 2021 से लेकर आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि आपकी 1 सितंबर तक रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज़ देखिए आप। IDBI बैंक 2021, ठीक है, IDBI बैंक भर्ती 2021 920 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। IDBI बैंक में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका मिला है। बैंक ने 920 कार्यकारी पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाकर की गई है। इन सभी रिक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी नौकरियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। 18 अगस्त तक आपके आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज़ देखिए। बिजली कंपनियों के अंदर 507 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 4 सितंबर से। राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने जारी किया है परीक्षा का कार्यक्रम। ठीक है ना, पदों का ब्यौरा देखिए आप। सहायक अभियंता के 39, लेखा अधिकारी के 11, कार्मिक अधिकारी के 6, कनिष्ठ अभियंता के 375, कनिष्ठ रसायनज्ञ, ठीक है ना, के 27 और सूचना सहायक के 46 इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए आपके AEN मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, JEN मैकेनिकल के आपके 4 सितंबर को एग्जाम है, कनिष्ठ अभियंता सिविल पर्सनल ऑफिसर के 5 सितंबर को, कनिष्ठ अभियंता कम्युनिकेशंस और सूचना सहायक, ठीक है ना, इन दोनों के एग्जाम जो हैं वो आपके 6 सितंबर को रखे गए हैं। सहायक अभियंता जूनियर केमिस्ट के 9 सितंबर, लेखा अधिकारी के 10 सितंबर और सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता के 12 सितंबर को एग्जाम होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि आपके सूचना सहायक की भर्ती के लिए जो बेस्ट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर जो है कल से आपके लिए मॉडल पेपर आ रहे हैं, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से जो है क्वेश्चंस को तैयार किए गए हैं, तो आप भी ज़रूर उसमें हिस्सा लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए, हेड कांस्टेबल मंत्री स्तरीय के पदों पर भर्ती, 115 पदों पर भर्तियाँ की जाएगी। अगर आप भी जो है भरना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। आगे देखिए, राइट्स में निकली 48 रिक्तियां, ठीक है ना, राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड नॉन इकोनॉमिक सर्विस के अंदर आप जो है राइट्स के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 48 पोस्ट एंड टोटल आपके राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज के 120 पदों पर जो है भर्तियां निकली है। इसके लिए भी आप जो है इन अर्हताओं को समझ के जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जरूर जुड़ जाइएगा। लास्ट हमारी न्यूज है, 4438 कांस्टेबल पदों पर होगी भर्तियां, सितंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। ठीक है ना, हेड कांस्टेबल के पदों पर जो है राजस्थान पुलिस विभाग में जो है सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं, तो युवाओं के लिए खुशखबरी है कि वो 4438 पदों के लिए आवेदन 1 सितंबर से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो तैयारी में लग जाइए साथियों। और आप मॉडल पे टेस्ट पेपर और क्लासेज अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड है, आप सिलेबस वाइज उसको तैयारी को कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो जो हमारे पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू जो मैसेज आए हमारे पास इंस्टाग्राम से, तो पहला ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहा है वो है कि सर आपकी क्लासेज कब से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, क्लासेज हमारी सिलेबस आएगी उसके दूसरे दिन से स्टार्ट होगी। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसका जो सिलेबस है वो कब तक आ सकता है। तो सिलेबस देखिए आपके 10 अगस्त तक आ जाएगा साथियों, कोशिश चल रही है। ठीक है ना, 10 अगस्त तक आपकी जो है सिलेबस आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है ना, और जो आपका नोटिफिकेशन है वो इस महीने के अंतिम या सितंबर महीने के लास्ट तक आपके जो है उसका नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। क्लासेज आपके लिए जो है नोट्स वगैरह सारे तैयार हैं साथियों, आपको मिल जाएंगे, आप बस तैयारी में लगे रहें। ठीक है ना, अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो है कि भाई आप जो है सभी ट्विटर पर अपना योगदान नहीं दे रहे हैं साथियों। कल 2 लाख का ट्वीट का आंकड़ा रखा था, लेकिन
आप में से किसी ने भी वहाँ पर हेल्प नहीं की थी। कुछ आज जो है वहाँ पर कंटिन्यू ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपका ट्वीट वहाँ पर नहीं आया है। तो प्लीज़ आप सभी जो है वहाँ पर ट्वीट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।